तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है वेट लिस्टिंग के रिगार्डिंग। आई नो वही लंगारा से सबको बहुत एक्सपेक्टेशन थी, लंगारा से सबको भी, क्योंकि अपने फ्यूचर अच्छा करना ही ऑब्वियसली आना था। सबको इतनी एक्सपेक्टेशन थी, कोर्स रजिस्टर करेंगे, फ्लाइट्स बुक है, सब आएंगे। पर सारा खेल पलट गया भाई, मतलब पूरी लंका ढहगी सबकी, पूरा खेल पलट गया क्योंकि सीटें मिली ही नहीं इस बार। तो मैंने इसलिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ, मैंने ब्लॉग में इस चीज़ को ज़्यादा कवर नहीं किया, जितना मेरे तक हुआ मैंने उतना किया। मैं इसलिए अलग से बना रहा हूँ क्योंकि ब्लॉग थोड़ा फन साइड पे हो जाता है, ये एक सीरियस मैटर है, तो मुझे लगा हाँ कि बनानी चाहिए। ऊपर से भाई जैसे ये सारा मामला हुआ, मेरा इंस्टाग्राम भर गया बुरे तरीके से, मैं खुद पागल हो गया भाई। जिनके रिप्लाई नहीं आया ना भाई, सो सॉरी, पर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इंस्टाग्राम मेरा बहुत ज़्यादा भरा हुआ था भाई डीएम से, मैंने तभी स्टोरीज डाली थी। जो मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं करते, मैं फॉलो कर लो, वो स्टोरी में तभी अपडेट आए थे कि क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, बहुत भर गया था। और मैं अलग से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अब उसका सोल्यूशन क्या दे भाई, मतलब क्या है, आए डेफर करें, पार्ट टाइम पे होके आ जाए। मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ आज भाई। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बैक ऑफ द स्टोरी नहीं बता, तो भाई शुरू क्या होता है, मेरी रजिस्ट्रेशन 30 मार्च 4 o'clock तक थी, मतलब 4 PM पे थी मेरी 30 मार्च 4 PM। पर भाई 30 मार्च 2 PM तक ही सारे कोर्सेज फुल हो चुके थे, सब कुछ वेट लिस्ट हो चुका था। मुझे सिर्फ मेरा 1150 और 1171 खाली दिख रहा था। 1171 में भी 2-3 वेट लिस्ट चली गई थी, वो दिख रहा था। पर जैसे ही 3 बजे एवरीथिंग वॉज फुल भाई, सारा कुछ, एक आर्ट इलेक्टिव नहीं, एक यूटी इलेक्टिव नहीं, एक साइंस इलेक्टिव नहीं, कुछ नहीं बचा। पूरा सारे कोर्स फुल पैक हो गए, वेट लिस्टिंग तक फुल होगी, हैरानी क्या होगी, वेट लिस्टिंग तक फुल चली गई भाई। तो क्या हुआ, जब मैंने रजिस्टर किया ना, मैंने जिन कोर्सेज में किया उसमें भी मैं कम वेट लिस्ट पे आया हूँ मैं वेट लिस्ट पे। मैंने कौन से कोर्स लिया या मैं क्या वेट लिस्ट है, वो अलग वीडियो बात करेंगे भाई, मैं अपनी नहीं कर रहा इसमें। तो तब तक सारा फुल हो गया, मुझे इवन एक आर्ट सिलेक्टिव चाहिए था, मुझे एक आर्ट इलेक्टिव नहीं मिला भाई, मुझे एक भी आर्ट सिलेक्टिव नहीं मिला। और फिर बच्चे ये बोलने लगे कि भाई कि जब तुम्हें नहीं मिला 30 मार्च 4 बजे वाले को नहीं मिला, तो जिनकी 31 मार्च या 30 मार्च 4 बजे की बात थी, उनकी गलती क्या है कि उनको कोर्स नहीं मिले, उनको तो मौका ही नहीं मिला ना भैया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपको मौका ही नहीं मिला, मैं खुद इस चीज़ में आप लोगों को से कहूँगा मौका नहीं मिला। पर पता है क्या यार बात है, लंगारा ने साफ साफ लिखा हुआ है इट्स एन ओपन एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, तो आप ना उसमें कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा। अब क्या करना चाहिए, या लंगारा की ही गलती है भाई? जब मैं इंडिया में था, मैं भी मानता हूँ लंगारा की गलती है, इन द सेंस कि यार अगर तुम पे इतनी सीटें नहीं है, जब तुम्हें पता है इतना बच्चा एनरोल्ड है कॉलेज में, कितना बच्चा ब्रेक पे चला गया, उसके बाद तुम सीटें तो कम से कम दो, अगर तुम पे नहीं है सीटें मत दो LOA। तो मैं खुद इस चीज़ से था भाई कि लंगारा की गलत बात है ये। पर पता क्या यार बात है भाई, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा कॉलेज है, तुम इंडिया बैठे कुछ नहीं कर सकते, इवन यहाँ बैठा मैं कुछ नहीं कर सकता, तो पता क्या चक्कर है, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए मैं कॉलेज को कभी गलत बोलता हूँ। मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, मैं कभी कॉलेज से पंगे लेता नहीं फालतू के भाई, तुम्हारा रिकॉर्ड और मेरा रिकॉर्ड दोनों का खराब हो सकता है, मैं तभी कॉलेज से फालतू पंगे लेता ही नहीं हूँ। तो अभी क्या यार, तुम तो रजिस्टर्ड नहीं हो, तो तुम ना कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी मेल में लिख सकते हो यार मैं ना रजिस्टर्ड हूँ, मैं इसलिए मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना कर सकता हूँ, पर मैं कॉलेज से फालतू पंगे नहीं ले सकता अब। तो अब इस चीज़ को साइड में रखते हैं, अब बात आ जाती है मोटे मोटे 3 सिनेरियो हुए लोगों के साथ। सबसे पहला तो कईयों की होगी रजिस्ट्रेशन, जिनकी 27, 28, 29 थी उनकी होगी भाई, उनको ना दिल से, मतलब इतना बड़ा कॉम्बो है ना, तुमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कसम से कह रहा हूँ। जो मैं रजिस्टर्ड हूँ इस कॉलेज में स्प्रिंग में, मेरे को कोर्स नहीं मिले, तुम्हें मिले ना, तुमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, हैट्स ऑफ हेवन तुम लोगों को। अब आ जाता है दूसरा केस, जिन्होंने एक दो कोर्स रजिस्टर हो गए, तीजे में वेट लिस्टेड है वो, तीजा नहीं मिला उनको। अगर यार देखो बिलो 10 हो या जितने भी वेट लिस्ट में, बिलो 10 हो फिर तो ना पक्का मान लो मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें ट्विस्ट बताता हूँ, तुमने देखा होगा वेट लिस्टिंग है, सीटें अवेलेबल है। अब ये सीटें किसकी अवेलेबल है, मुझे एक दो मेल आई है, ये सीटें कॉलेज से आई है मेरे को, मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे यार सीट दे दो जो अवेलेबल है, मेरी प्री रैक है, मुझे अगले सेमेस्टर चक्कर औखा हो जाए। तो उनकी ये है कि ये सीट डोमेस्टिक बच्चों की रिजर्व्ड है, अगर डोमेस्टिक बच्चे नहीं रजिस्टर करते तो तुम्हें दे देंगे, तो इंटरनेशनल को। तो यहाँ ट्विस्ट आता है, अगर तुम्हारी वेट लिस्टिंग 10 या 15 है ना, अगर मान लो 16 सीटें रिजर्व्ड है, 16 से नीचे है ना, तो भाई तुम ना मान सकते हो कि हाँ तुम्हें मिल जाएगी। पता है क्यों, हर कोर्स में इतनी सीट रिजर्व्ड है, हर कोर्स में आधा सेक्शन डोमेस्टिक का रिजर्व्ड है, डोमेस्टिक इतना बच्चा है ही नहीं, समझ रहे हो, डोमेस्टिक इतना बच्चा है ही नहीं, डोमेस्टिक कहाँ कहाँ घुसेगा। हर कोर्स 350 कोर्स है मान लो कॉलेज में, 350 सीटें मान लो कॉलेज में, 350 में से 170-175 कॉलेज ने रिजर्व करी है, या 170 हाँ के आसपास। तो भाई आपको थोड़ा इतना बच्चा है ही नहीं कॉलेज पर, 350 सीटें तो है भी नहीं है, हजारों के अंदर सीटें है भाई,
इतना वो चाहिए तो जिनकी वेट लिस्टिंग जितने कोर्स में नंबर है ना उससे नीचे है तो हाँ तुम मान सकते हो मिल जाएगी, बाय चांस नहीं भी मिलती। तो बस जो क्वेश्चन था भाई, दो कोर्स लेके ट्रैवल कर सकते हो, इतना भारी क्वेश्चन है ये, कसम से कह रहा हूँ। कितने बच्चों ने पूछा भाई दो कोर्स लेके ट्रैवल कर सकते हैं हम, आ जाए क्या करें यार। मैं तुम्हें ना कुछ उठा दिलासा दूंगा इस वीडियो में, पर चक्कर पता है क्या, तुम पार्ट टाइम पे ना यहाँ पे अगर आओगे तो तुम काम नहीं कर सकते, ऐसा मैंने पढ़ा है। मैं खुद श्योर नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि पार्ट टाइम स्टेटस पे क्या मतलब रिस्ट्रिक्शंस है। अगर किसी को पता है तो भाई आप जरूर कमेंट में बताना, मैं वो कमेंट पिन कर दूंगा। अगर किसी को पता है कि पार्ट टाइम क्या रिस्ट्रिक्शन है, मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि पता चक्कर क्या, मैं फुल टाइम पे हूँ अभी, तो मैंने फुल टाइम का सोचा, मैंने कभी पार्ट टाइम का सोचा ही नहीं, और अब सोचूंगा भी नहीं। बिकॉज भाई अगर मेरे को कोर्स ना भी मिले, मैं शेड्यूल ब्रेक पर जा सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ जाने के लिए, क्योंकि मैं पहले सेमेस्टर फुल टाइम हूँ। अब बात आ जाती है जब तुम पार्ट टाइम पे भी नहीं आ सकते, अब आ सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं, बात थी ना तुम्हारी, मैं तुम्हें क्लियर रहता हूँ, ट्रैवल कर सकते हैं का भाई, जब इमिग्रेशन से पास करते हो ना तुम लोग, इमिग्रेशन वाले ना पूछ सकते हैं, एनरोलमेंट लेटर दिखाओ, उस पर लिखा होता है पार्ट टाइम स्टूडेंट और फुल टाइम स्टूडेंट, अगर वहां उन्होंने पकड़ लिया ना पार्ट टाइम, कुछ भी कर सकते हैं वो, तो वो थोड़ा डर होता है। कई बार नहीं भी पूछते, बहुत रहे चांस, मुझसे नहीं पूछा था कि एनरोलमेंट लेटर दो, मुझसे तो ऑफर लेटर तक नहीं मांगी थी, LOA मांगी थी शायद, तो मेरे से पूछा था, पर चांस होता है भाई, अपनी किस्मत को ना सबसे गंदी मानना करो, मैं ऐसी करता हूँ, मेरी किस्मत सबसे घटिया घुटनों वाली किस्मत है तो मैं मानता हूँ, इसलिए भाई जब अपना सेफ साइड चलो ना। तो ये है कि जो अब पार्ट टाइम पे भाई मैं प्रेफर नहीं करता, ट्रैवल करो, कर भी सकते हो, तुम्हारी कॉल है, पर रिस्ट्रिक्शंस देख लेना क्या क्या होंगी। या फिर अब दूसरा तरीका भाई, अभी मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जिनकी वेट लिस्टेड है, उसकी बाद में आएंगी जिनको वेट लिस्ट में मौका नहीं मिला, तुम्हारी कैटेगरी अलग है, तुमसे अच्छे से बात करते हैं। तो अब तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है तुम्हारे साथ जिनकी वेट लिस्टिंग में है, तुम ऐसे कर सकते हो, वेट करो, पता क्या 31st तक टाइम अलॉटेड है सबको, 31 मार्च तक तो अलॉटेड ही है सबको टाइम, भाई तुम ना 3-4 अप्रैल तक वेट करो, पता क्या होगा, कोर्स धीरे धीरे खोल लेगा, जब उनको दिखेगा ना डोमेस्टिक तो हम पे बच्चा है नहीं, इंटरनेशनल से पैसा छापना पड़ेगा, तो इंटरनेशनल के लिए वो सीट खोल लेगा, तुम वेट करो, अगर तुम्हें मिल जाए, मानो नहीं भी मिलती, मार कुछ जा रहा है, रजिस्ट्रेशन 2 खोलेगी, बच्चों को ये ऑप्शन क्वेश्चन था रजिस्ट्रेशन 2 क्या होती है, मैं बताता हूँ भाई, रजिस्ट्रेशन 1 जब होती है ना, मानो मैंने रजिस्टर कर दिया, मैंने कॉलेज को $1,000 भरना है, मैं भर नहीं रहा, अब कॉलेज गेम खेलेगा, कॉलेज कहेगा 21 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन 1 है, तूने नहीं भरी फीस तक ड्रॉप कर देंगे हम कोर्स से, भाई वहां पे ड्रॉप हो जाते हैं। पर आपको पता है भाई, अगर मेरे जैसे को एक कोर्स मिला, मैं क्यों फीस नहीं भरूंगा, ऑब्वियसली भरूंगा। या फिर ऐसा होता है कि कई बच्चे ना एक्स्ट्रा में रजिस्टर कर लेते हैं, भाई अभी 6-7 उठा ले, 5 तो उठा ही सकते हैं मैक्सिमम, 5 उठा ले, बाद में ड्रॉप कर देंगे, तो उधर से भी कुछ सीटें बच जाती है, या कॉलेज तो खोलता ही है, तो 21 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन 1 है, अब जो रजिस्ट्रेशन 2 खोलते हैं ना वो फिर से चालू होती है, तो मुझे उसकी डेट नहीं पता, आई थिंक 25 या 27 अप्रैल है तब शुरू होगी, पर तब तक तो सारे ट्रैवल कर ही लेंगे। तो मैं ये बोलूंगा जिनकी वेट लिस्टिंग में है ना, शायद एक सब्सक्राइबर की तो वेट लिस्ट 1 भी है, मैं वो तो श्योर है उसकी तो मिल ही जाएगी, कोई चक्कर नहीं है। तो जिनकी वेट लिस्टिंग में है थोड़ा तुमने फ्राम हो सकते हो, जिनके दो कोर्स हो गए और एक वेट लिस्टिंग में है, तो तुम वहां अगर वेट लिस्टिंग सीट्स अवेलेबल दिखाता है ना वहां पे कि अवेलेबल 16 है और वेट लिस्टिंग तुम 16 से नीचे हो, तो तुम मान सकते हो तुम्हें मिल सकती है। और ये भी सिनेरियो होता है भाई, अगर 2-3 वेट लिस्ट पे होते हो ना, जैसे 1-2-3 पे हो, तो ना तुम यहाँ पे ट्रैवल करके ना तुम बोल सकते हो प्रोफेसर को, सर देखो ये प्रीरेक है, अगला कोर्स नहीं मिलेगा हमें, हाथ जोड़ की विनती है, प्लीज घुसने दो कोर्स में, दे देते हैं भाई, इतना कोई चक्कर नहीं होता, अगर टीचर पे सीट्स अवेलेबल है घुसने दे देते हैं। अब थर्ड कैटेगरी पे आ जाते हैं, आई थिंक सो मैंने अपना वैसे मोटा मोटा सब कवर कर लिया होगा सेकंड कैटेगरी वाला, कि जिनकी वेट लिस्टिंग में दो कोर्स मिल गया, एक मिल गया, तो ये हो जाता है। अब भाई थर्ड कैटेगरी पे आने से पहले ये भी एक क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि 3 कोर्स लेने जरूरी है, तो भाई फुल टाइम के लिए 9 क्रेडिट, 9 से नीचे पार्ट टाइम, चाहे 8 हो पार्ट टाइम, तो अब 9 क्रेडिट के लिए 3 कोर्स लाते हैं, क्योंकि एक कोर्स 3 क्रेडिट से नीचे होता नहीं है, 9 के 10 हो जाए तो फुल टाइम हो जाओगे, पर 3 कोर्स लेने हाँ कंपल्सरी तो है। अब आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी में जिनकी, यार मैं हंस नहीं रहा तुम लोगों पे, पर भाई मैं ना खुद शॉक्ड हूँ, मैं कसम से कह रहा हूँ खुद शॉक्ड हूँ कि वेट लिस्ट फुल होगी भाई, पर तुम्हारी सिचुएशन थोड़ी मानता हूँ बहुत दुख भरी है, कि वेट लिस्टिंग में भी मौका नहीं मिला, रजिस्टर भी नहीं हो रहे वेट लिस्टिंग में, मतलब ये तो कभी मैंने फेस भी नहीं किया ना, मैं करना चाहूंगा भी, अब इनका तरीका क्या है भाई, मैं खुद स्पीचलेस सा हूँ भाई, इसका तरीका मैं कुछ झूठा दिलासा भी नहीं दूंगा भाई, मुंह पे कह दूंगा जो कहना है, और टाइम यार मैटर करता है। एक तो थर्ड कैटेगरी चालू करने से पहले, पता है वो कैटेगरी में डर लग रहा है भाई चालू करने में, मैं उससे पहले क्वेश्चन के जवाब दे दूं जो मेरे को याद आ रहे हैं, उसको चालू करने से पहले एक क्वेश्चन ये भी था कि ठीक है हम क्वेश्चन ही भूल गया मैं, छोड़ो फिर क्वेश्चन भूल गया मैं, क्वेश्चन
क्वेश्चन छोड़ भाई, थर्ड कैटेगरी पे आ जाते हैं। तो यार शुरू करते हैं भाई, सिंपल सिंपल बता दूंगा यार, मैं ज्यादा लटकाऊंगा नहीं। जिनको वेट लिस्ट में मौका नहीं मिला भाई, देखो डेफरमेंट की डेट तो वैसे भी निकल ही चुकी है, आई थिंक सो तुम्हारी फी रिफंड हो जाएगी, ट्राई कर लेना अगर होती हो। डेफरमेंट डाल के डेट तो निकली गई 31 मार्च थी। अब बात आ जाती है जिनको वेट लिस्ट में मौका नहीं मिला, तो भाई बेसिकली एसोसिएट ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस की अगर बात करूँ, 8 इलेक्टिव है, इलेक्टिव भी वैसे फुल ही है, मिल तो रहे नहीं है। अगर भाई इलेक्टिव मिलता है कोई सा, चक लो इलेक्टिव को, 3 मरीज चक लो अगर मिलता है। अब मान लो वो भी मतलब उससे भी गंदी हालत हो गई कि इलेक्टिव भी नहीं मिल, क्योंकि हो ही है यार, तुम्हारी नहीं मेरी भी है भाई। मैं एक कोर्स मरीज चढ़ू, मैं फिर से अपनी बात किसी और ब्लॉग में करूंगा, मैं एक मरीज चढ़ू, बाकी मेरा सारा कुछ वेट लिस्टेड है। तो तुम कर लेंगे भाई, मेरे साथ भी हुआ जो ऑलरेडी लंगारा में है। अब बात आ रहा था जिनको वेट लिस्टिंग में भी मौका नहीं मिला, तो यार मैंने तुम लोगों के लिए ना एक रिक्वेस्ट डाल दिया, मैं ना उस मेल का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मैंने कॉलेज को क्या मेल करी है। मैंने मेल में ये लिखा था भाई कि उन बच्चों की गलती नहीं है जिनको मौका ही नहीं मिला। जब 30th को ही सीट फुल होगी तो 31st को बच्चा कैसे रजिस्टर करेगा। एटलीस्ट मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उन सब बच्चों के लिए, कोई नए सेक्शन ओपन कर दो या फिर जो सीट रिजर्व है वो ओपन कर दो, ताकि थोड़ी वेट लिस्टिंग गिरे और बच्चे फिर वेट लिस्टिंग में आ सके। तो मैंने डाल लिया है, पर उसमें का भी तो कोई जवाब नहीं आया, और भाई मेरे भरोसे रहना भी मत उसका आएगा कोई, पर मेरी बहुत बहुत कोशिश है कि तुम लोगों को सीट्स मिल जाए, बहुत कोशिश है। पर चक्कर वही है, मैं फिर से बोल लूंगा भाई कि मैं उनके बाउंडेड हूँ, उनके अंडर भाई, मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं इतने पंगे नहीं ले सकता भाई, क्योंकि मैं कॉलेज, यार पता क्यों मैं लेने पंगे भाई, कॉलेज स्कूल से मैं पंगे लेता नहीं हूँ। मैंने हम्बल रिक्वेस्ट डाल लिया एक, मतलब एक प्यार भरी मेल लिख दी थी मैंने डिपार्टमेंट हेड को कि भाई एटलीस्ट CPSC में ओपन कर दो। तो भाई अब आता है कुछ तो मैं तो भी अपडेट कर दूंगा। गाइस मैं वीडियो को यहीं पे पॉज करता चाहूंगा अभी भाई। अभी मैं जब एडिटिंग कर रहा था ना, मुझे एक अपडेट आया कंप्यूटर डिपार्टमेंट हेड का, मैंने वैसे ये इंस्टा पे भी शेयर कर दिया है, पर मैंने सोचा ब्लॉग में भी कर देता हूँ। तो भाई अपडेट, अभी स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, अपडेट ये देख लो आपके सामने है, मैंने क्या मेल करी थी, मेरे को क्या रिप्लाई आया है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों के सेक्शन ऐड हो जाए। तो भाई सब्र रखो, पेशेंस रखो, कोर्स शेड्यूल चेक करते रहो, क्या पता जब मर्जी सेक्शन ऐड हो जाए। जो वेट लिस्टेड है वेट लिस्टेड, अपनी ईमेल चेक करते रहो, ईमेल के भरोसे भी मत रहना, पर अपना शेड्यूल चेक करते रहो, जब भी कोर्सेज ऐड हो साथ के साथ रजिस्टर ठोक देना भाई, बने रहो इस चीज में, रजिस्ट्रेशन में। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि तुम्हारा सब कुछ सही तरीके से हो जाए। अब वापस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे तो अपडेट डालता ही हूँ मैं, अब भी डाल ही रहा हूँ या फिर कोई कोर्सेज में सीटें होंगी तो मैं वो भी डाल दूंगा कि हाँ भाई इस कोर्स में सीटेड है, तो तुम तब उठा लेना, पर इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो। अब भाई उनका रिप्लाई आए ना आए, मैं कोई दिलासा नहीं दे रहा, ये फिर थर्ड ऑप्शन भाई ये थोड़ा सा वेट कर लो, अगर नहीं तब भी वेट लिस्टिंग क्लियर हो रही या फिर तुम्हें सीट नहीं मिल रही, डेफर कर लेना यार, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा भाई कहते हुए, क्योंकि कुछ बच्चे ऑलरेडी डेफर्ड हैं, तो डेफरमेंट डाल देना यार। पता है कुछ लोगों को लग रहा है, हाँ वो क्वेश्चन जो मैं भूला था वो यही था भाई, कोई भी कोर्स उठा के आ जाए भाई। मैं कोई एक बात बताओ, अगर वो इलेक्टिव भी काउंट नहीं हो रहा, वो वैसे भी तो मैं फुल टाइम स्टडीज के लिए आ रहे हो, पता है कितने पैसे फूकोगे तुम 3 कोर्स के लिए, $6,500 भाई। मुझे खुद बताओ, $6,500 जो कोर्स तुम्हारे गिनती में भी नहीं आने, तुम उस पर लगाओगे कभी। कंप्यूटर साइंस में तो इलेक्टिव है, हेल्थ साइंस वगैरह में इलेक्टिव नहीं है, तो तुम 3 कोर्स के लिए $6,500 लगाओगे यार, इतना वर्थ इट नहीं है भाई, तुम इतना बिल्कुल वर्थ इट नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब तो डेफरमेंट कर लो। अब एक फोर्थ कैटेगरी और मैंने अभी इंट्रोड्यूस करी है बोलते बोलते, जो ऑलरेडी डेफर्ड है उनको सीटें नहीं मिली, ये तो हाल ही बहुत माड़ा तुम्हारा। तो मतलब मैं उनके लिए एक चीज सजेस्ट करूंगा भाई, कॉलेज को मेल डालो, मेल आईडी है international@langara.ca, ये लंगारा ग्लोबल की ईमेल आईडी है international@langara.ca, इनको मेल करो भाई। पहले भी आ रहा हूँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट होती है, वो ऐसे मेल करो कि मैम देखो ऑलरेडी डेफर्ड है, हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, मतलब अब हम डिप्रेसिंग स्टेट में आ चुके हैं, हमें एटलीस्ट मेन कोर्स दे दो हमारा एक, हमें किसी चीज में भी रजिस्टर करा दो, हमें सीट्स दे दो, हम ऑलरेडी डेफर्ड है। और कोई सियानापंती अपनी ये मत करना कि वो डेफर्ड नहीं है, वो फिर भी मेल कर रहे हैं, पकड़े जाओगे साफ साफ। पहले कह रहा हूँ उनको मेल कर दो मैम कि हम ऑलरेडी डेफर्ड है, प्लीज हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमें दे दो सीट्स। और तो भाई क्या पता उनका आ ही जाए कोई जवाब, या आपको दे ही दे वो रिप्लाई, तो यही ऑप्शन हो सकते हैं। मैं कोई ऑफिशियल ऑप्शन तो आपको दे भी नहीं सकता भाई, क्योंकि मैं कौन सा ऑफिशियल हूँ कोई लंगारा का, मैं तो वही बता रहा हूँ जो मैं तुम कर सकते हो, मैं कोई आउट ऑफ स्टेट तो बता नहीं रहा कि तुम कॉलेज तो तुम जा नहीं सकते, सिंपल है। तो मैं कोई आउट ऑफ स्टेट ऑप्शन तो बता नहीं रहा, कॉलेज वो जा सकते हैं जो ऑलरेडी 2 मरीज रजिस्टर्ड है, टीचर से रिक्वेस्ट करनी है, वो तो तुम बाय मेल भी कर लेना। हाँ टीचर्स को कैसे मेल करनी है मैं इसका बता देता हूँ, पता क्या करो, जैसे मान लो मेरे को कंप्यूटर साइंस के कुछ किसी टीचर को मेल करनी है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट लिखो लंगारा CA में, लंगारा.ca के सर्च बार में कंप्यूटर डिपार्टमेंट लिखो,
वहां पे फैकल्टी का ऑप्शन आएगा, वो फैकल्टी क्लिक कर लो, नीचे में पूरी डायरेक्टरी आ जाएगी कंप्यूटर डिपार्टमेंट की फैकल्टी की, तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि किसी आपने टीचर को मेल करनी है तो जरूरी मेल ही करना है, फालतू ना करा करो वैसे उनको मेल। तो ये अब वो कैटेगरी भाई जो ऑलरेडी डेफर्ड है ना, वो एक बार मेल डाल दो। मैं यार सच्ची में कुछ कर पाता, मैं जरूर करता तुम्हारे लिए, पर वही है भाई, मैं अभी बाउंडेड हूँ, मैं इस केस में ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं नहीं बात कर सकता। और एक ऑप्शन शेड्यूल्ड ब्रेक का होता है कि दो कोर्स लेके शेड्यूल्ड ब्रेक, पर आई डाउट कि उसमें यार वो है कि आपको एक सेमेस्टर पहले फुल टाइम होना पड़ता है, तभी ब्रेक पे जा सकते हो। मुझे डाउट ही है, अगर कोई इस चीज़ में श्योर है, कोई लंगारा का स्टूडेंट ही देख रहा हो कि भाई पहले सेमेस्टर में भी हम दो कोर्स लेके शेड्यूल ब्रेक पे जा सकते हैं और काम फुल टाइम कर सकते हैं, तो आप चेक वो कर सकते हो भाई, आप वो कमेंट कर देना यार कि अगर शेड्यूल ब्रेक पे जा सकते हैं नहीं पहले सेमेस्टर में, मुझे कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में। और शेड्यूल ब्रेक क्या होती है भाई, एक सब्सक्राइबर के कमेंट था, मतलब मुझे इंस्टा पर पूछा था, मैं वो भी क्लियर कर दूँ। शेड्यूल ब्रेक क्या होती है कि फुल टाइम और पार्ट टाइम, मतलब समझ लो फुल टाइम स्टूडेंट हो पार्ट टाइम वर्क पे हो, शेड्यूल ब्रेक होती है तुम पार्ट टाइम स्टूडेंट हो जाते हो फुल टाइम वर्क पे हो जाते हो, तो ये मोटा मोटा ताज़ा ताज़ा फ़र्क है, बस वाइस वर्सा कर लो, तो ये फ़र्क है। भाई मेरी दिल से दुआ है कि तुम्हें कोर्स मिले, क्योंकि यार मैं ना तुमसे ज़्यादा एक्साइटेड था भाई, मैंने सब्सक्राइबर बेस बनाया पर मुझे एक्साइटेड था कि मैं अपने हर एक सब्सक्राइबर से मिलूंगा, मैंने इंस्टा पे भी ऑलमोस्ट जिस जिसका इंस्टा मैंने सबको बोला भाई मिलेंगे ज़रूर, भाई मैं खुद एक्साइटेड था जब से ये स्यापा पड़ा है ना, इवन मैं रजिस्टर्ड नहीं हुई जब से स्यापा पड़ा है, मेरा खुद बहुत दिल खराब हो रखा है भाई। मम्मी भी यही कह रही है मतलब कि जल्दी लास्ट साल, दिल छोटा ना कर, पर भाई वही बात है कि क्या कर सकते हैं, तुम कुछ कर नहीं सकते यार, तो आई होप फॉर द बेस्ट यार, बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके हो जाए किसी भी स्टूडेंट का, बाकी देखते हैं यार, ट्राई करते रहो, मैं यही बोल दूंगा भाई, ट्राई करते रहो, जिनके बिल्कुल रजिस्टर नहीं होना ट्राई करते रहो, वेट लिस्टिंग क्या होता है थोड़ी बहुत डाउन आए, अप्रैल में कुछ सीट्स ओपन होंगी डोमेस्टिक वाली तो तब ट्राई कर लेना, बाकी नहीं तो फिर आप डेफरमेंट डाल सकते हो, मतलब मैं कहता भी नहीं भी डाल दो, पर मजबूरी। मगर बहुत लोग लंगारा को ब्लेम करते हैं कि लंगारा ब्लेमेबल है, और इस बार हाँ ये भी क्वेश्चन है, इस बार ऐसा क्या हो गया कि सारी वेट लिस्टिंग भी फुल होगी, मतलब ऐसा आज तक नहीं हो गया, मैंने फॉल 22 में रजिस्टर किया था, वो तो मैंने डेफर कर लिया था क्योंकि मुझे कोर्स ढंग के नहीं मिले थे, उसके बाद मैंने स्प्रिंग में रजिस्टर किया था, मेरा 14 मार्च को खुलनी थी, 17 मार्च टाइम आया था, भाई मेरे को आज तक ऐसा नहीं हो वेट लिस्टिंग फुल होगी हो। इस बार मुझे एक रीज़न ये लग रहा है कि बच्चे उतने ही हैं, समर इनटेक में सबको पता ही है कि कोर्सेज कम ऑफर करता है कॉलेज, तो उस वजह से भी बच्चे तो उतने ही हैं, अब बच्चों ने तो घुसना ही है, कितने बच्चे ब्रेक पे जाएंगे, 20 में से 10 नहीं जाते, तो इस चक्कर में ज़्यादा फुल हो गया है, तो कॉलेज की यहाँ गलती है, मैं तो भाई कॉलेज को कुछ बोलता भी नहीं, कॉलेज ही सब कुछ है भाई, मैं कॉलेज को बोलता भी नहीं, क्या गलती गलती भाई, स्मार्ट वर्क करो और तो क्या ही करने, मतलब देखो किसी तरीके हो जाए भाई, होप फॉर द बेस्ट। अभी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आई होप मैंने आपके सब सवालों के जवाब दे दिए होंगे, प्लीज़ अब मेरा इंस्टाग्राम बख्श दो भाई, यार मैं ना चाहता हूँ मदद करना, पर इंस्टाग्राम पे ना वो कई बार रिप्लाई नहीं हो पाता, मैं खुद पागल हो जाता हूँ, इतने मैसेज आ जाते हैं, तो इस वजह से जिनके नहीं रिप्लाई होते भाई दिल से सॉरी उनको, पर हाँ मैंने तभी आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया कि आपको हेल्प करेगी, तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे एक अपडेट के साथ, और मेरा क्या बना है भाई, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ब्रेक पे जा रहा हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंडिया भी जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मतलब मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन सोचा तो है, तो मैं एक चांस ले रहा हूँ, बहुत बड़ा डिसीजन है, तो अगले ब्लॉग के लिए ट्यून रहना, जल्दी वो ब्लॉग आ जाएगा, नेक्स्ट ब्लॉग वही होगा, तो आई होप अब आपको ब्लॉग से सारी क्लैरिटी मिल गई होगी, नहीं मिली तो भाई कमेंट में कर देना, मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, इंस्टाग्राम तो है ही है, तो आई होप अब आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप फॉर द बेस्ट भाई, दिल छोटा ना करो, जरूर कुछ ना कुछ भगवान ने आपके लिए अच्छा सोचा होगा, पक्का सोचा होगा।